दोस्तों, कर्नाटक में मुस्लिम छात्रों के द्वारा हिजाब पहनने को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है और उनकी प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में हिंदू छात्रों के द्वारा और एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये मुद्दा पूरी तरह से इंटरनेशनलाइज हो चुका है और बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर लेके बहुत सारे बात उठा रहे हैं। जैसे कि टर्की की मीडिया TRT वर्ल्ड, ये बोल रहे हैं कि इंडिया इज़ नॉट फ्रांस। ये यहाँ पर ये कह रहे हैं, फ्रांस जिस तरह से रिसेंटली बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस एंड स्कूल से जो हिजाब को बैन कर दिया, इंडिया ऐसे नहीं कर सकता। तो चलिए समझते इसको विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ओम और आप सभी को स्वागत करता हूँ रहस्यमय दुनिया 0.1 की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक कंट्रोवर्सी शुरू होता है कर्नाटक की एक कोस्टलैंड डिस्ट्रिक्ट उडुपी से। यहाँ पे जो मुस्लिम छात्राओं है वो बोलते हैं हम हिजाब पहन के आएंगे, पर जो कॉलेज की प्रिंसिपल होते हैं वो मना कर देते हैं। पर जो लड़की है वो नहीं मानते, हिजाब के साथ ही क्लास अटेंड करते हैं। उनमें से जो एक लड़की थी वो चला जाता है हाईकोर्ट और पिटीशन डालती है, कहती है ये जो कॉलेज है वायलेट कर रहा है आर्टिकल 14 और 25 को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 25 रिलीजन प्रैक्टिस की फ्रीडम। दोस्तों, ये जो लड़की है इन्होंने ये कह रहे हैं कि इनका जो रिलीजन प्रैक्टिस की फ्रीडम है वो छीना जा रहा है और जो फंडामेंटल राइट्स है उसको वायलेट किया जा रहा है। दोस्तों, इसके बीच जो कॉलेज की अथॉरिटी है वो ये डिसाइड करता है, पेरेंट्स के साथ एक मीटिंग अरेंज करेगा ताकि ये बात यहीं पे, मतलब इस बात का यहीं पे हाल निकल जाए और ये बात ज़्यादा ना फैले और यहीं पे ही रिजॉल्व हो जाए। जो सरकार है वो इसके ऊपर एक तुरंत हाई लेवल की कमेटी बनाई और ये कहा जब तक ये चीज़ रिजल्व हो जाए तब तक आप क्लास अटेंड करिए, पर जो लड़की है वो सीधा मना कर दे और बोले हम करेंगे तो सिर्फ हिजाब के साथ ही करेंगे। जो इनके होम मिनिस्टर है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर स्टूडेंट ने ऐसे रिलीजन को लेकर बिहेव करेंगे तो हम स्कूलों में कॉलेजों में इनका भविष्य कैसे बिल्ड कर रहे हैं। हम इनको स्कूल में कॉलेज में ये सिखाते हैं वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर इंडियन। इसी बीच जो कॉलेज की अथॉरिटी है ये डिसाइड करता है इन बच्चों की पढ़ाई ना रुके, इसलिए ये लोग ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, पर वो लड़की सीधा मना कर देते, बोलते अगर हम करेंगे तो सिर्फ ऑफलाइन क्लास करेंगे और विथ हिजाब करेंगे। इसी बीच जो हिंदू स्टूडेंट्स है वो साफरन साल पहन के आते हैं। दोस्तों, इनका यहाँ साफ कहना है अगर ड्रेस कोड एक सर्टन सेक्शन के लिए फॉलो नहीं किया जा रहा है तो हम क्यों करेंगे। दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ को देखते हुए बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया फ्रांस के साथ इंडिया को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि फ्रांस ने अपनी पार्लियामेंट में प्रॉपर वोटिंग करके हिजाब को बैन किया था वेरियस पब्लिक प्लेसेस से। तो दोस्तों, ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं और उनका जो बिलीफ है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। दोस्तों, आपको इसके ऊपर क्या कहना है लिखिएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहता हूँ आप लोग इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं, यानी कि आप लोगों का इसके ऊपर विचार क्या है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कमेंट सेक्शन में कोई भी किसी भी रिलीजन के लिए बैड वर्ड प्लीज़ यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि सबका अपना अपना रिलीजन है और सबके लिए अपना रिलीजन बहुत बड़ा होता है।